हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनाटॉमी वाले गुरुजी में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही वंडरफुल सी ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर हम स्किन की लेयर्स को याद कर सकते हैं। राइट, तो बने रहिए साथ में ताकि आपको सारी स्किन की लेयर्स याद हो जाए। स्किन के बारे में कुछ एक दो लाइन में आपको बताना चाहता हूँ। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज द स्किन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट इज द स्किन। इसके बाद अपन बताएं कि स्किन को अपन बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर हर तरीके से हर फॉर्मूला की तरह काम करती है। आपने क्रिकेट के अंदर ऑलराउंडर का नाम सुना होगा, जो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है। यही काम हमारी बॉडी में स्किन करती है, इसीलिए स्किन को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। मैं लिख देता हूं यहां पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड। हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो होता है स्किन। मैं आपको एक वंडरफुल ट्रिक बताने के बारे में बात कर रहा था। स्किन के अंदर हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर। मैं यहां लिख दे रहा हूं डर्मिस लेयर। हम दो लेयर पढ़ते हैं स्किन के अंदर, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। मैं बताने वाला हूं कि एपिडर्मिस के अंदर पांचों लेयर्स जो होती है, फाइव लेयर्स आती है इसके बीच में, उनको अपन कैसे याद करें, और डर्मिस के अंदर कौन कौन सी लेयर्स है। बस यही एक कंसेप्ट है जो मुझे आपको बताना है। डर्मिस के अंदर हम पढ़ते हैं फाइव लेयर्स, उसके नाम मैं बता देता हूं आपको। स्ट्रेटम मैल्पिगी, स्ट्रेटम मैल्पिगी का दूसरा नाम होता है स्ट्रेटम बेसल। स्ट्रेटम बेसल को ही अपन बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। राइट, इसके बाद अपन सेकंड जो लेयर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। राइट, इसके बाद अपन पढ़ते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। इसके बाद जो फोर्थ लेयर आती है उसके लिए अपन पढ़ते हैं, देख लीजिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले स्ट्रेटम बेसल, इसी को ही बोलते हैं स्ट्रेटम मैल्पिगी। इसी का ही एक नाम होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, जर्मिनेटिवम। राइट जी, ये आपके सामने नाम है स्ट्रेटम बेसल। मैं अदर पेन से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा ध्यान में रह जाए, स्ट्रेटम मैल्पिगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। सेकंड जो लेयर है वो अपन पढ़ते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसका ही दूसरा नाम होता है प्रिकल सेल लेयर। मैं आपको दोनों नाम बता रहा हूं एक साथ में, फिर इसकी एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको ये लेयर हमेशा के लिए याद हो जाए। देखिए थर्ड लेयर जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ग्रेन्यूल से मिलके बना हुआ है ग्रेनुलोसम, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं इसके अंदर, कैल्शियम, आरएनए वगैरह। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं एसिडिक मटेरियल जो कि ग्रेनुलोसम में प्रेजेंट रहता है। इसके बाद है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, और लास्ट लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। दोस्तों हमने इसको लिखा है अंदर से बाहर की तरफ। राइट, सबसे पास में डर्मिस के जो पास में है वो है स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम मैल्पिगी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। इसके ऊपर जो है वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, प्रिकल सेल लेयर, उसके ऊपर ग्रेनुलोसम, फिर ल्यूसिडम, फिर कॉर्नियम, और फिर ये आपकी पूरी कंप्लीट बना देती है एपिडर्मिस। राइट, और डर्मिस के दो पार्ट होते हैं, दो लेयर्स होती है, आउटर और इनर, आउटर पार्ट और इनर पार्ट, या आउटर लेयर इनर लेयर। आउटर पार्ट को बोलते हैं अपन पार्स पैपिलरिस, और इनर पार्ट को अपन बोलते हैं जी पार्स रेटिकुलरिस। राइट जी, तो ये हमने कुछ लेयर्स के नाम आपके सामने लिखे हैं। याद करने का एक फॉर्मूला बताने वाला हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए। इसको याद करने का तरीका सीधा सीधा एक फंडा है, महेंद्र सिंह गांव से लेकर आया कॉफी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं आपके सामने, महेंद्र सिंह गांव से लेकर आया कॉफी। ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। कैसे याद रखना है, महेंद्र बोले तो स्ट्रेटम मैल्पिगी, जो फर्स्ट वाली लेयर है स्ट्रेटम मैल्पिगी, इसी को याद कर लेंगे अपन, एम से महेंद्र, एन से स्ट्रेटम मैल्पिगी। गांव महेंद्र सिंह, सिंह में एस आ रहा है, एस का मतलब है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, याद रखेंगे आप। अगला है गांव, जी
याद रखना है आपको, G4 ग्रेनुलोसम याद आपको रह जाएगा, M4 मेलपेगी, Sing4 स्पाइनोसम एंड Gam4 ग्रेनुलोसम। यहां से फिर आता है लेकर, लेकर का मतलब होता है ल्यूसिडम, राइट जी। इसके बाद आपके सामने है कॉफी, कॉफी का मतलब होता है कॉर्नियम। बस इस तरीके से आपको याद रखना है, महेंद्र सिंह गांव से लेकर आया कॉफी, अगर ये लाइन आपको याद है तो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में जो अपन 5 लेयर्स पढ़ते हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, राइट। इसके बाद है डर्मिस लेयर, सबसे थिक पार्ट जहां पे ब्लड वेसल्स होती है, एपिडर्मिस में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। इसमें है 2 पार्ट, पार्स पैपिलरिस जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं, पार्स रेटिकुलरिस जिसके अंदर रेटिकुलर फाइबर ज्यादा होते हैं या इलास्टिक फाइबर ज्यादा होते हैं। कोलेजन फाइबर के साथ अगर बाइंडिंग कैपेसिटी बनी रहती है तो हमारी स्किन की जो इंटीग्रिटी है वो आराम से सही रहती है। आपने देखा होगा कि स्किन की इंटीग्रिटी जब अपन चेक करते हैं तो हमें यूं लगता है कि सर जी लूज हो रखी है, स्किन आपकी लूज हो रखी है। तो लूज का मतलब क्या है, कोलेजन के साथ वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है, इसका मतलब बॉडी में पानी की कमी हो गई है। पार्स रेटिकुलरिस, इसके अंदर हमने स्पेशली बता दिया कि रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर स्ट्रेच मार्क्स आते हैं, आपने सुना होगा स्ट्रेच मार्क्स के बारे में, वो स्ट्रेच मार्क्स परमानेंटली क्यों आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इलास्टिक फाइबर उसमें क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब एक मदर का यूट्रस प्रेगनेंसी के टाइम पे जो उसकी साइज और शेप है वो बदल जाती है, बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, और उस टाइम पे आपके इलास्टिक फाइबर जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। आप में से कुछ बच्चे हैं जो जिम वगैरह करते हैं, बॉडी सोडी बना लेते हैं, उसके बाद अगर आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही आपने जिम करना छोड़ दिया, जैसे ही आपकी बॉडी थोड़ा सा लूज होने लगेगी, उस टाइम पे भी आपको कुछ लाइनिंग्स दिखाई देती है आपकी स्किन के ऊपर, उसका मतलब भी क्या है, आपके इलास्टिक फाइबर डैमेज हो गए हैं। इसी प्रकार के कुछ बेहतरीन आपको कंसेप्ट तैयार करने हैं तो जुड़िए मेरे साथ एनाटॉमी वाले गुरुजी। आप सर्च करें यूट्यूब पे, उसमें आपको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम का पूरा लेक्चर बहुत बढ़िया ढंग से आपको मिलेगा। तो दोस्तों आइए मेरे साथ जुड़िए, टुगेदर वी विल मेक ए डिफरेंस। ओके जी।